ज्वाइनिंग से पहले ही बदला कलेक्टर का आदेश। प्रदेश सरकार ने रीवा जिले की 3 तहसीलों को अलग कर बनाए गए नए जिले मऊगंज में कलेक्टर की ज्वाइनिंग से पहले ही आदेश बदल दिया। अजय श्रीवास्तव बने पहले कलेक्टर और वीरेंद्र जैन पहले एसपी। विधानसभा अध्यक्ष करेंगे ध्वजारोहण। नमस्कार, स्वागत है आप सबका तत्काल संदेश में। मैं आपके साथ गायत्री हाजिर हूँ बड़ी खबर के साथ। चुनाव के पहले शिवराज सरकार ने 53 जिले मऊगंज के गठन को लेकर रविवार को आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी। राजस्व विभाग ने राज्यपाल के नाम से आदेश जारी किया है। नए जिले में 3 तहसील को शामिल किया गया है। आधिकारिक आदेश के कुछ घंटों बाद ही एसपी और कलेक्टर का भी पोस्टिंग के आदेश जारी हो गए हैं। ज्वाइनिंग से पहले ही बदला कलेक्टर का आदेश। प्रदेश सरकार ने रीवा जिले की 3 तहसीलों को अलग कर बनाए गए नए जिले मऊगंज में कलेक्टर की ज्वाइनिंग से पहले ही आदेश बदल दिया। रविवार शाम आदिम जात क्षेत्रीय योजनाएं की संचालक सोनिया मीणा को मऊगंज का कलेक्टर बनाया गया था, लेकिन रात करीब 10 बजे आदेश परिवर्तित कर अजय श्रीवास्तव को मऊगंज का कलेक्टर बनाया गया है। अजय श्रीवास्तव वर्तमान में आदिवासी विकास विभाग में अपर आयुक्त अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम में प्रबंध संचालक हैं। वहीं जबकि 8वीं बटालियन छिदवाड़ा के तैनात कमांडेंट वीरेंद्र कुमार जैन को एसपी बनाया गया है। 15 अगस्त को विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम नए जिले मऊगंज में ध्वजारोहण करेंगे। आदेश के मुताबिक अब मऊगंज जिला बनने के बाद रीवा जिले में 9 तहसीलें शेष बची हैं। इनमें हुजूर, हुजूर नगर जवा, त्योथर, रायपुर करचुलियान, गुड़, सिरमौर, सिमरिया और मनगवा बाकी बचेंगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 5 महीने पहले नए मऊगंज जिले की घोषणा की थी। विधानसभा अध्यक्ष करेंगे ध्वजारोहण। मध्य प्रदेश के नवगढ़ 53वें जिले में विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ध्वजारोहण करेंगे। अब तक रीवा जिला मुख्यालय पर ध्वजारोहण होता रहा है। मध्य प्रदेश शासन द्वारा जारी किए गए आदेश में नए जिले का मुख्यालय मऊगंज ही रहेगा। वहीं रीवा जिले में अब कलेक्टर गणतंत्र दिवस पर ध्वजारोहण करेंगे।